Hello lovely kids, today we will do back exercise of lesson number 2, two frogs. But before that, we understand the concept of pronoun. So let's start. Pronoun, a word that is used in place of a noun. O shabd, jede na di thante varte jande hain, unna nu appa pronoun kende hain. Te bachyo, tusi noun bare pehle padhe na, asi pehla bhi padhe hoya hai. Noun is a naming word. किसी भी व्यक्ति स्थान चीज़ा जा जानवरां दे नाम नूं असीं नाउन कहिंदे आ ते प्रनाउन ओ शब्द हन जिहड़े उन्हां दी थां ते वरते जांदे आ ते आपां इहनूं इक एग्जाम्पल राही समझदे आ बच्चो इह है डॉली इक दी इक फ्रेंड है जिहदा नाम है सीमा एक दिन डॉली अपनी फ्रेंड सीमा दे नाल अपने घर आउंदी है ते उहदी दादी मां उहनूं पुछदी है हु इज़ दिस गर्ल डॉली कहिंदी है सीमा इज़ माई फ्रेंड सीमा इज़ अ गुड गर्ल सीमा इज़ वेरी इंटेलिजेंट ते बच्चों कि डॉली ने सही किया आपा एवें ही बोलते हैं कि आपा बार बार सीमा 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 बोलते हैं नहीं ना तो उन्हें किदा बोलना चाहिए सी सीमा इज़ माई फ्रेंड शी इज़ अ गुड गर्ल शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट इतने सीमा की एक नाउन है ये नाम हैगा ना कुड़ी का तो एक नाउन है तो शी जिहड़ा वरत्या गया वो सीमा की थां ते वरत्या गया तो शी की एक प्रोनाउन है ठीक है बच्चों ते अगे देखते हैं प्रोनाउन जड़े वो दो तरह के होंगे हैं एक सिंगुलर भी होंगे तो प्लूरल भी होंगे हैं तो आप पहला सिंगुलर देखांगे जिमें एहो मैं तो मैं ले की वरतांगे आई एहो तुसी यू ते जे एक मुंडा होवे ओ उनू आप कहांगे ही कुड़ी होवे उहदे लई आप वरतांगे शी ते जे कोई जानवर होवे या कोई चीज़ होवे उहदे लई आप वरतदे हैं इट ये सारे सिंगुलर प्रोनाउन है तो उस तो बाद अगे चलते हैं प्लूरल प्रोनाउन जे मेरे नाल एक होर टीचर आ जाए तो उन्हें आप कहांगे वी असी यू तुसी ते ओ जे ओ बहुत सारे होन तां उत्थे आऊगा दे ठीक है बच्चों इन्हों आप इकट्ठे देखते हैं सिंगुलर आई प्लूरल वी सिंगुलर यू ते प्लूरल यू ये यू दे विच सिंगुलर भी यू है ते प्लूरल भी यू है उस तो बाद ही शीट सिंगुलर प्लूरल दे नेक्स्ट ते बच्चों अगे प्रोनाउन जड़ा है वो कई होर भी तरह का होंदा है जिवें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ते पोजेसिव इनू भी आप एक एग्जाम्पल राही देखते हैं जिवें ही गेव मी अ बुक उन्हें मैनू एक किताब दी तो इतने सब्जेक्टिव प्रोनाउन की है ही क्योंकि जिहड़ा उस काम नूं कर रहा वह हुंदा है सब्जेक्ट तो इहदे विच ही जिहड़ा वह सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो मैनू दित्ती मैनू यह हैगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ठीक है उन्हें मैनू किताब दित्ती ही सब्जेक्टिव मी ऑब्जेक्टिव उस तो बाद है पोजेसिव पोजेसिव का मतलब हुंदा पोजेशन ये चीज़ मेरी है जिवें दिस इज़ माई पेन कई बार तुसीं लड़दे हो क्लास दे विच तुसीं कहिंदे हो मैडम ये तो मेरा पेन है ये उहदा नहीं है तो दिस इज़ माई पेन नॉट हिज उहदा नहीं है उहदे लई हिज ठीक है बच्चों इहनूं आपां देखदे हां आई मैं वी मैनू पोजेसिव मेरा यू तुसी यू तैनू यूअर तुहाडा ही ओ हिम उसनू हिज उहदा शी ओ जे कुड़ी होवे हर उसनू हर उदा वी असी अस सानू आर साडा दे ओहो देम उनानू देयर उनादा ते बच्चो हुण असी एक्सरसाइज करते हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द प्रोनाउन सेंटेंसेस नू पढ़ो ते प्रोनाउन नू अंडरलाइन करो फर्स्ट सेंटेंस मोहन इज स्टडिंग इन क्लास 5 मोहन पंजवीं जमात विच पढ़ता है ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग वो बहुत मेहनती है तो ही की है प्रोनाउन क्योंकि मोहन एक नाउन है ते मोहन मुंडा है तो मुंडे लिए की यूज होगा ही नेक्स्ट रजत इज़ गोइंग टू हिज अंकल्स हाउस रजत अपने चाचा जी दे घर जा रहा है अपने चाचा जी दे घर हीज अंकल्स अगे हीज अंकल इज़ अ फार्मर उसके चाचा जी किसान हैं उसके हीज नेक्स्ट माई मदर इज़ गोइंग टू द मार्केट माई मदर मेरे माता जी
माई मेरे माता जी बाजार जा रहे हैं शी विल बाय अ न्यू ड्रेस फॉर मी वो मेरे लिए नवी ड्रेस खरीदेंगे वह खरीदेंगे शी विल मेरे लिए खरीदेंगे मी मी नेक्स्ट एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल हाथी एक बड़ा जानवर है इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग ट्रंक इदी बहुत लंबी सुंड है इदी इट आपा जानवर लई ते चीज़ा लई इट दी वरतों करते हैं नेक्स्ट मनजीत एंड आई आर फ्रेंड्स मनजीत ते मैं दोस्त हाँ वी विल प्ले फुटबॉल टुडे असी अज फुटबॉल खेडांगे असी वी ते मनजीत एंड आई आई दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल आ वाले फुल बहुत सोहने हैं दे स्मैल वेरी गुड इन्हां विच्चों बहुत वधिया खुशबू आउंदी है हुण फुल दीज फ्लावर्स इन्हां विच्चों बहुत अच्छी खुशबू आउंदी इन्हां दे नैक्सट रंजीत अते सोनिया आर नॉट ईटिंग एनीथिंग रंजीत अते सोनिया कुछ नहीं खा रहे दे आर नॉट फीलिंग वैल वो ठीक महसूस नहीं कर रहे हुण दो हैगे ओ ले ले दे नैक्सट मनजीत इज सिंगिंग अ सोंग मनजीत गाना गा रही है हर वॉइस इज वेरी स्वीट उदी आवाज़ बहुत मिठी है उदी हर मनजीत एक कुड़ी है तो उदे ले हर दा यूज़ होगा नैक्सट एक्सरसाइज चूज़ द करैक्ट प्रोनाउन इदे विचों सही प्रोनाउन नू चूज़ करो फस्ट तरुण इज़ अ गुड बॉय तरुण एक चंगा मुंडा है डैश हैल्प्स एवरी वन ओहो सब दी मदद करता है ओहो ले की आऊगा इत्थे तरुण एक मुंडा है तो उदे ले ही माई मदर कुक्स वैल मेरी माँ चंगा खाना बनाउंदी है डैश इज बेकिंग अ केक फॉर मी ओहो मेरे लिए केक भुन रहे हैं तो ओहो मेरे लिए ओहो शी आई एम गोइंग टू द मार्केट विद माई फादर मैं अपने पिताजी नाल मार्केट जा रहा हाँ डैश विल बाय सम फ्रेश फ्रूट्स असी कुछ ताजे फल खरीदांगे असी वी चैम्प एंड चिम्प वर टू मंकीज चैम्प अते चिम्प दो बांदर सी डैश लिव्ड इन अ पैरिस जू दे लिव्ड इन द पैरिस जू ओहो पैरिस जू विच रहिंदे सी इत्थे आऊगा दे नेक्स्ट शेरू इज माई पेट डॉग शेरू मेरा पालतू कुत्ता है डैश इज ब्लैक इन कलर ओ काले रंग दा है तो शेरू एक जानवर है तो उदे लिए की आऊगा इट द फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल फुल बहुत सुंदर हन डैश स्मेल वेरी गुड ना विचो बहुत वधिया खुशबू आंदी है ता दे अनिल इज फ्री टुडे अनिल अज वेला है आई विल मीट डैश इन द इवनिंग मैं उसनू शाम नू मिलूंगा ता उसनू आएगा हिम क्योंकि अनिल एक मुंडा है हिम स्टूडेंट्स आई होप दैट यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट नाउ इट्स योर होमवर्क टाइम सो there is a paragraph you will underline the pronoun words from the given paragraph this paragraph is in your book you can do it in your book also thank you